जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ पे हम क्लीनलीनेस को समझ सकते हैं, जैसे रेजिडेंशियल हैं, फिर रेजिडेंशियल के बाहर पब्लिक एरियाज हैं, फिर सिटीज़ के बाहर हैं, फिर नेशनल हाईवेज और हाईवेज पर है। तो आज हम सिर्फ रेजिडेंशियल एरियाज पे फोकस करेंगे। रेजिडेंशियल एरियाज की क्लीनलीनेस को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें क्या इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं जो कि इस क्लीनलीनेस को अचीव कर पाते हैं। तो आप जिनसे यहाँ पर पूछेंगे, जो यहाँ पर रहते हैं, जापान में रहे हैं लंबा, उनसे अगर पूछेंगे तो सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो कोई ऐसा कोई गलत या सही नहीं होता है इसमें, बट हाउ आई सी इट आई ट्राई टू एक्सप्रेस इट। तो मुझे लगता है कि जैसे जापान क्लीन रेजिडेंशियल एरिया में होने के लिए चार इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चार इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो क्या है? पहली चीज़ ये है कि आई थिंक द सिटीजन्स देमसेल्व्स, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं या रेजिडेंट्स हैं, वो इट्सेल्फ आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन कीपिंग द रेजिडेंशियल एरियाज क्लीन। कैसे? पहले ये है कि जापान डेफिनेटली रिसाइकल रीयूज इन कॉन्सेप्ट्स में बिलीव करता है, लेकिन सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, जिसे हम इंडिया में भी जानते हैं, सेग्रीगेशन एट सोर्स। सेग्रीगेशन एट सोर्स मतलब जो भी कचरा हमारे घर में होता है उसे हम अपने घर के लेवल पे ही पहले डिवाइड करें। तो देर कैन बी अगेन मेनी वेज ऑफ डिवाइडिंग दिस गार्बेज, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडली अगर हम इसे क्लासिफाई करेंगे तो एक होता है जैसे यहाँ पर कंबस्टिबल गार्बेज कहा जाता है, मोएरुगो भी कहा जाता है। वो क्या है, जैसे अगर बहुत ही सिंपल चीज़ समझनी है, मोएरुगो मतलब जो बर्नेबल है, कागज़ जैसी चीज़ें। तो इसमें कागज़ जैसी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन आपका जो किचन का जो रॉ कचरा होता है, जैसे मैं अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दूँ तो चाय की पत्ती हो गई, या सब्जी काट के जो बचती है चीज़ें वो हो गई, या मीट रिलेटेड या कोई भी नॉनवेज रिलेटेड चीज़ें भी जो बचती हैं काटने के बाद, या हम खाने के बाद अगर रह जाता है इनकेस जो आखिरी में खाने के बाद बचता है वो भी चीज़ें, तो इसे हम रॉ कचरा बोलते हैं या बर्नेबल बोल सकते हैं। तो वो उस उन चीज़ों में जाती है। दूसरा होता है नॉन बर्नेबल, नॉन कम्बस्टिबल, अब मोएनाए को भी वो कहा जाता है। इसमें आपका ब्रॉड कैटेगरी होगी, जैसे प्लास्टिक शीट्स हो गए या प्लास्टिक कप्स हो गए, ये चीज़ें उसमें आ सकती हैं। और तीसरा जो कि घर के लेवल पे मोस्टली तीन लेवल तक लोग मेंटेन कर पाते हैं, तो उसमें आपका एक क्लासिफिकेशन हो सकता है कि प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं, यहाँ पर पेट बॉटल्स कहा जाता है, या ग्लास की बॉटल्स हो सकती हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ ग्लास जार में जो आने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे जैम्स हो गए या कोई भी पिकल्स हो गए, उस तरह की चीज़ों से जो ग्लास बॉटल्स बचती है वो, या फिर कुछ ड्रिंक्स आते हैं यहाँ पर, टॉनिक ड्रिंक्स होते हैं या विटामिन ड्रिंक्स होते हैं, उस रिलेटेड चीज़ें भी जो होती हैं वो बॉटल में बच जाती हैं, तो वो बॉटल्स को फेंकने के लिए एक अलग हो सकता है। फिर कैंस हो सकते हैं आपके, अलग अलग जो कैंस होते हैं वो उसमें जा सकते हैं। टू समराइज, घर के लेवल पे एटलीस्ट बर्नेबल, नॉन बर्नेबल एंड अदर्स में बॉटल्स, प्लास्टिक्स, कैंस, इस तरह का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं इस प्रोसेस को अच्छे से जानते हैं, स्कूल्स में उन्हें सिखाया जाता है कि बचपन से ही हम इन चीज़ों को कैसे अलग करें और कैसे हम इसे घर के लेवल पे इम्प्लीमेंट करें। तो सेग्रीगेशन एट सोर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बिगिन विद। नंबर टू ये है कि यहाँ पर आपने घर पर तो उसको अलग कर लिया, लेकिन घर से एक कलेक्शन सेंटर तक ले जाना इम्पॉर्टेंट होता है। तो सेकंड जो इसमें लिंक है वो है जो कलेक्शन बॉक्सेस है या कलेक्शन सेंटर्स हैं यहाँ पर। तो कलेक्शन सेंटर्स जो होते हैं नॉर्मली आपके घर से शुड नॉट बी मोर देन 100 मीटर्स फॉर श्योर। व्हाट एवर आई हैव सीन टिल नाउ, आपके 100 मीटर एरिया के अंदर तो डेफिनेटली एक कलेक्शन सेंटर होता ही है। 100 मीटर में थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, इट कैन बी अंडर 50 मीटर्स और सो, जैसे हम लोगों के लिए अंडर 50 मीटर है। तो जो सेकंड कड़ी है कि इन गार्बेज सेंटर्स का होना भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट।
इम्पॉर्टेंट है। और अगेन यहाँ पर जो पहली कड़ी है, जो फर्स्ट लिंक है, वो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जापानीज लोग या यहाँ पर रहने वाले सब लोग अपना कचरा खुद अपने गार्बेज बॉक्स से, जो पॉलीथिन्स में कलेक्ट किया जाता है, उसको टाई करते हैं और उसको खुद जाके उस सेंटर में रख के आते हैं। हम लोग इंडिया में काफ़ी डिस्कस करते हैं कि क्या सही तरीका है। हम लोग यहाँ वहाँ पर तो दरवाजे तक लोग कलेक्ट करने आते हैं, तो वो तो लग्जरी है आई वुड से, लेकिन जापान के लोग यहाँ ऐसी कोई लग्जरी यहाँ पर नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पीपल आर प्रोएक्टिव इन डूइंग दिस थिंग्स एंड दे टेक प्राइड इन डूइंग दिस। तो इंक्लूडिंग मैं या कोई भी हो यहाँ पर, मोस्टली सुबह यहाँ ऑफिस जाते वक्त आप अपना एक कचरे का बैग लेके चले जाओगे और वहाँ पे सेंटर में आप फेंकते हुए अपने ऑफिस निकलोगे। दिस इज़ व्हाट द मोस्ट ऑफ द ट्रेंड इज। ऑफ कोर्स कोई भी फैमिली मेम्बर घर का कर सकता है इसे। तो सेकेंड है गार्बेज सेंटर्स। तो पहला था पीपल देमसेल्व्स एंड देन सेकेंड इज गार्बेज सेंटर। थर्ड वन ये है कि जो वार्ड्स हैं यहाँ पर बहुत बहुत प्रोएक्टिव हैं ये गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली दे हैव वेरी स्पेसिफिक रूल्स कि किस डे पे आपको कौन सा कचरा फेंकना है। उसके लिए पूरा का पूरा टाइम टेबल हर एरिया का अलग अलग होता है, तो इस तरह का वो पूरा टाइम टेबल होता है। तो मंडे के लिए जिस तरह एक पर्टिकुलर तरीके की चीज़ें होंगी, मंडे ट्यूसडे के लिए अलग, वेनसडे के लिए अलग, थर्सडे के लिए अलग, फ्राइडे के लिए अलग, सैटरडे संडे के लिए अलग, हर दिन यहाँ से कचरा जाता है। मोस्टली वार्ड्स जो हैं इसमें सबसे प्रोएक्टिव होते हैं और वो तीसरी कड़ी है जैसे मैं कह रहा हूँ। और वार्ड्स का काम है कि अवेयरनेस लोगों में लाना, ऑफकोर्स। दूसरा है कि जैसे गार्बेज जो पॉलीथिन्स होती हैं वो हर जगह अवेलेबल करवाना, फिर टाइम टेबल रखवाना, फिर जैसे कुछ और स्पेसिफिक बड़े तरह के जो गार्बेजेस होते हैं, जैसे अगर हमें फर्नीचर भेजना है, फेंकना है कहीं, या कोई ऐसे बिग बड़े साइज़ के अगर हमें कुछ गार्बेज फेंकना है, तो उसको फेंकने के लिए भी नॉर्म्स वार्ड ने बना रखे हैं। और उसके लिए क्या होता है कि ऐसे एग्जांपल दूँ कि अगर एक बड़ा सोफ़ा मुझे अगर यहाँ पुराना हो गया, मैं फेंकना चाहता हूँ, तो आई जस्ट कांट गो एंड थ्रो इट इन दैट कॉमन एरिया एंड आई डोंट बॉदर दैट व्हाट विल हैपन टू इट। ऐसे नहीं होगा। होता क्या है कि ये जो सोफ़ा है उसके लिए मुझे एक कन्वीनियंस स्टोर पे जाना पड़ेगा, वहाँ से एक टिकट मिलेगी मुझे अराउंड 1000 yen और सो। तो मुझे टिकट लेके उस सोफ़ा के ऊपर लगा के रखना पड़ेगा। दैट्स एन इंडिकेशन टू द वार्ड, है इसको आप रिसाइकल कीजिए और मैंने इसकी फ़ीस ऑलरेडी भरी है। तो इट्स अ मार्क टू देम दैट यस दिस इज अ लीगल वे ऑफ थ्रोइंग इट, तब जाके वो कलेक्ट करेंगे। तो वार्ड ही है जिनकी जो ट्रक्स हैं वो यहाँ पर आती हैं और वो कचरा जो अच्छे से पहले फेंका गया है उस गार्बेज सेंटर में, उसको ठीक तरीके से कलेक्ट करती हैं और सुबह सुबह वो लेके चली जाती हैं। तो ये थी तीसरी कड़ी। तो पहला था सिटीजन्स देमसेल्फ, सेकेंड दिस गार्बेज सेंटर्स, थर्ड द रोल ऑफ वार्ड इन दिस, नंबर फोर्थ ठीक है कचरा सोर्स एट सेग्रीगेशन कर लिया, हमने अच्छे से गार्बेज सेंटर में भेज दिया, वो लोग उठा के लेके चले गए। लेकिन अगर ये ओपन माइंस और लैंड पे डाल दिया जाए, फिर से ये कचरा हमें हर जगह दूसरी जगह दिखाई देगा, नहीं। चौथी चीज़ है यहाँ के रिसाइकल सेंटर्स, जिसपे गवर्नमेंट ऑफ जापान ने बहुत इन्वेस्ट किया है। आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों को पता होगा कि जापान में भी एक ऐसा समय था जब यहाँ पर कचरा बहुत हुआ करता था और जापान में लैंड माइंस में जाकर इसे फिल कर दिया जाता था, और जिसके कारण काफ़ी सारी स्मेल होती थी, काफ़ी लोगों को टॉक्सिक गैसेस आते थे जिसके कारण लोगों को तकलीफ होती थी। तो उस वक्त की बात है जब जापान गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए कि देर विल बी कंपल्सरी रिसाइकल सेंटर्स विच विल रिसाइकल ऑल दिस गार्बेज जो कि वार्ड लेवल पर कलेक्ट किया जाएगा। यही चार चीज़ें हैं कि जो जापान को क्लीन रखती हैं। तो पहला जो है सिटीजन्स देमसेल्फ, सेकंड इज द कलेक्शन सेंटर, थर्ड वन इज द रोल ऑफ वार्ड, एंड फोर्थ वन इज द नेशनल लेवल लॉज इन द रिसाइकल प्लांट्स, रिसाइकलिंग प्लांट्स विच दे हैव। तो इस तरह से जो रेजिडेंशियल एरिया के आसपास है ना, आपको ओपन तरीके का कोई यहाँ पर गार्बेज बॉक्स मिलेगा जो कि अनप्रोटेक्टेड है,
या जिस पे कोई बर्ड्स आके बैठे हैं और उसमें से कोई खा रहा है, या कोई बिल्ली या कुत्ता आकर उसमें से उठा कर उसे बाहर ले जा रहा है, वो रास्ते पर पड़ा है, ऐसा कभी नहीं होता है। वो बहुत ही केयर लिया गया है इस बात का कि ये चीज़ें बिल्कुल ना हो। तो ये चार चीज़ें हैं आगे विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाई द रेजिडेंट्स आर क्लियर। आगे के वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे कि दूसरी जगहों पर ये किस तरीके से गार्बेज को कलेक्ट किया जाता है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम जापान, एंड इफ यू थिंक लाइक यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, प्लीज स्प्रेड दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड हु माइट बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट हाउ टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन अराउंड देयर प्लेसेस। आई नो आई हैव सम फ्रेंड्स बैक होम जो कि अपने सोसाइटी के सेक्रेटरीज हैं, हेड्स हैं, एंड दे आर आई मीन ट्राइंग टू फाइंड वेज हाउ वी कैन कीप। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज लाइक द कल्चर ऑफ मेकिंग द रेजिडेंट्स themselves responsible for taking the garbage and throwing into and making a collection center first and then make throwing it there. And third, coordinate with the wards, municipalities back home in India also, so that they take the full responsibility in taking that without fail. And fourth one is where I think government ka role bhi aayega. लेकिन इंडिया में इसको एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी भी हम समझ सकते हैं, जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हों और रिसाइकलिंग प्लांट्स बनाएं, जिस तरीके से इट्स बिकम विन विन फॉर ऑल, फॉर सिटीजन्स आल्सो एंड फॉर द बिजनेस एंड जॉब जनरेशन आल्सो। सो दैट वाज अ क्विक वन ऑन हाउ टू हाउ जापान कीप्स देयर रेजिडेंशियल एरियाज क्लीन। इफ यू लाइक इट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।